स्टूडेंट आज हम लोग आपने ऑलरेडी अटेंड भी कर चुके हैं पेसिमिस के बारे में, आज हम यही शुरू करते हैं ना। जैसे जैसे हम लोग ये हफ्ता है दिन हम लोग निकालते हैं, जब नेक्स्ट हम लोग आएंगे हम लोग चैप्टर्स की शुरुआत करेंगे। तो अभी नई बुक्स जो है इलेवंथ में चेंज हो गई है हिंदी इंग्लिश की, तो वो शायद आपको मैनेज नहीं हो पाई थी। जैसे ही ग्रुप होगा है ना, जिस ग्रुप में आप लोगों को सर मेंशन किया हुआ है उस ग्रुप के अंदर में दो पेजेस जो भी हम लोग रीड करने वाले हैं वो पेजेस को क्या करूँ उसमें अपलोड करूँ आप लोगों को। या तो आप उन्हें नहीं लिखिए क्योंकि जब फोन में होगा तो आप उसको रीड नहीं कर पाएंगे, तो आपने अपनी लैंग्वेज के अंदर अपनी राइटर के अंदर उसको अपनी कॉपी में लिखना है। और नेक्स्ट स्टेप हम लोग ना उसकी रीडिंग करेंगे कि हम लोग ऐसे बैठे नहीं ले सकते, हम लोगों को काम करना है ना, लोग जो है हमें काम भी करना पड़ेगा। सो है ना, ये हम लोग सिर्फ एक नॉर्मल ले रहे हैं, उसके बाद धीरे धीरे जो है हम लोग चैप्टर से काम करेंगे। ओके, आज हम लोग जो शुरू कर रहे हैं वो पैसिव वॉइस, उसे कर्म वाची कहते हैं। आवाज आ रही है आपको मेरी? इसमें कर्म वाची कहते हैं, पैसिव वॉइस का क्लास रखते हैं यहाँ पर। आप जो है ये कर्म वाची का मतलब है, हम दो तरीके से सेंटेंसेस को बनाते हैं। एक जो होता है सब्जेक्ट है ना, दो तरीके के हम सेंटेंस होते हैं। एक होता है सब्जेक्ट वॉइस, जो उसको हम लोग कहते हैं वाच। और दूसरा जो होता है वो होता है ऑब्जेक्ट वाइज, जो हमारा कर्म वाच होता है ना। एक सेंटेंस के तीन भाग होते हैं जो हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि एक सेंटेंस के अंदर तीन चीजें जो है उसका होना बहुत जरूरी है। फर्स्ट जो होता है वो होता है सब्जेक्ट, फिर होता है वर्ब, और उसके बाद होता है ऑब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में हम सेंटेंस में बात कर रहे होते हैं, वही हमारा सेंटेंस होता है। सेकंड चीज सब्जेक्ट और वर्ब, और वर्ब और ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है वो होती है हमारा वर्ब यानी क्रिया, और सब्जेक्ट यानी कर्ता। जिस सेंटेंस में हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो हमारा सब्जेक्ट होता है, उसके बाद में वही सब्जेक्ट क्या क्रिया कर रहा है, क्या काम कर रहा है वो हम वर्ब से दर्शाते हैं। और वर्ब के ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव जो होता है वो किसका होता है, कर्म का होता है। किस क्रिया के द्वारा क्या काम किया जा रहा है वो सबसे ज्यादा जरूरी है, यानी ऑब्जेक्ट। जो ये दोनों एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं, सब्स्टिट्यूट माने जाते हैं, कि ऑब्जेक्ट का जो प्रभाव है क्रिया पे है, क्रिया जो करेगी वो ऑब्जेक्ट पे पड़ता है। यानी ऑब्जेक्ट पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या है, वर्ब के बाद जो कुछ लिखा होता है वो हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ये आपको ध्यान रखना है कि जब हम लोग पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम इसी को ही उसी तरीके से ही उसमें काम करेंगे। तो पैसिव वॉइस कर्म वाच, यही चीज हम लोगों को बनानी है। मैंने आपको बता दिया सेंटेंस जो होते हैं वो दो तरीके से होते हैं, सब्जेक्ट वाइज होता है
ऑब्जेक्ट वाइज बनता है, लेकिन अब हम लोगों को क्या करना है, कर्म वाच्य की तरह से बनाने हैं, यानी ऑब्जेक्ट वाइज हम लोगों को पैसिव वॉइस बनानी है। ओके, उसके बाद ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में तीन चीजों का होना जरूरी है, क्योंकि हम जब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम लोगों को पैसिव वॉइस के अंदर हम लोगों को ये ढूंढने की जरूरत होगी कि ऑब्जेक्ट क्या, तभी तो उसे हम आगे ला पाएंगे, बाकी पैसिव वॉइस हम लोगों से नहीं बनेंगे। ओके, पैसिव वॉइस का मतलब है कर्मवाची, यानी ऑब्जेक्ट के द्वारा हम लोगों को क्या बनाना, एक सेंटेंस बनाना। जैसे हिंदी में बोला जाए राम ने रावण को मारा, हिंदी सेंटेंस क्या कि चलो राम ने रावण को मारा, अगर हम उसे चेंज करते हैं, यानी लिखने का प्रारूप चेंज करना है, अर्थ में मीनिंग में कोई चेंजेस नहीं करते। जैसे एक ने बोला राम ने रावण को मारा, दूसरे सेंटेंस को अगर हम चेंज करके बोलते हैं रावण राम के द्वारा मारा गया, बात दोनों में एक ही है, राम ने रावण को मारा और रावण राम के द्वारा मारा गया, बात बिल्कुल एक है, लेकिन बस हम लोगों ने इसके लिखने के तरीके में चेंजेस किए हैं, और वही चीज ये जो चेंजेस हमने किए हैं यही पैसिव वॉइस कहलाती है, उसी को ही आप लोगों को आगे बनाना है। ठीक है, जैसे राम ने रावण को मारा तो हम उसका इंग्लिश लिखेंगे राम किल रावण। और जब हमने ये वाला बनाया तो हमने क्या बनाया, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट था ना रावण, उसको हम क्या लाए आगे ले आए हैं, ओके। अब इसमें हम लोगों ने क्या किया, ऑब्जेक्ट बनाया, एम्पिंग वर्ब लगाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई, बाय का यूज किया है, और ये क्या हुआ हमारा सब्जेक्ट। अब इनके सबके पीछे अगर आप प्लस प्लस लगा देते हैं तो ये एक फॉर्मूला बन गया है, है ना, पैसिव वॉइस बनाने का फॉर्मूला बन गया है, ऑब्जेक्ट प्लस एम्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, राइट। यानी ये जो फॉर्मूला है आप लोगों को रखना है, ठीक है, ये सारी चीजें आप लिखते भी जाना है, कॉपी बनाना और हम लोगों को लिखना भी है, फिर बाद में जब हम लोग अगर ऑफलाइन क्लास चलती है तो हम लोग फिर इसी से शुरुआत भी करेंगे, राइट ना। तो आप लोगों को ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है, ये जो एक फॉर्मूला है ना, ये जो फॉर्मूला है ये आप लोगों के समझाने के लिए मैंने इस तरीके से आप लोगों को समझाया कि ऑब्जेक्ट लिखा, एक्टिव वर्ब लिखा, डेफिनेशन फॉर्म लिखी, बाय लिखा और सब्जेक्ट। ओके, ये चीज आप लोगों को करनी है, इसी फॉर्मूले जो फॉर्मूला है इसके अकॉर्डिंग आप लोगों को अलग अलग तरीके के क्या करने, सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ओके, हम एक बार फिर यहाँ पे जो है हमारा प्लस अब ये जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट के अंदर कोई ना कोई नाम ही, नहीं जरूरी नहीं है कि कोई नाम ही हो, ही शी ये भी हो सकते हैं ना, तो हम लोग डायरेक्ट बाय शी बाय ही ऐसे हम लोग नहीं लिख सकते कि हम उसे ऑब्जेक्ट को देखने जा रहे हैं, उसके लिए आप लोगों ने एक चार्ट बनाना है, यानी कि ऐसी चीज आप लोगों को ये चीज याद रखनी है, ठीक है। अगर आई हमारा सब्जेक्ट है, आप ऐसे प्रॉब्लम बनाइए, एक तरफ लिखिए सब्जेक्ट और दूसरी तरफ लिखिए ऑब्जेक्ट, आई इसमें चेंज होता है, मी में चेंज होता है, आई किसमें चेंज हुआ, मी में चेंज हुआ, शी हर में चेंज होता है, ही ये ऑलरेडी आप टेंथ क्लास में पढ़ चुके हैं कि किसमें चेंज होता है, इन में चेंज होता है, दे
डेम में चेंज हुआ, बी एस में चेंज होता है और यू यू का यू ही रहता है और इट जो है वो इट में ही रहता है। ये सारी चीजें क्या है, ये हमारे सब्जेक्ट से जब हम जो ऑब्जेक्ट भी उन्हें चेंज करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट क्या बचेगा हमारा, लास्ट में चला गया सब्जेक्ट, वो हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा, वो भी नहीं सब्जेक्ट तो वो ऑब्जेक्ट होगा तो क्या वो हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, है ना। तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हमारा सब्जेक्ट होगा, लास्ट में जाएगा यही सब्जेक्ट। अगर आई इधर है उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, मी, शी, हर में ही, हिम में भी, देम में भी, अस में भी, पर यू और इट का इट ही रहने वाला है, उसमें कुछ अच्छे सारे लोगों को नहीं करते। ओके, एक बार इसे राइट डाउन करो। देखिए आप लोगों ने जब टेंसेस पढ़े थे ना, टेंथ में आप लोगों को बताया था कि पैसिव वॉइस जो होती है वो हर एक सेंटेंस से जो है वर्ब में ये ही चलने वाला, कोई भी सेंटेंस वो इसी तरीके से बनेगा जिसका ऑब्जेक्ट हम आगे लेके आने वाले हैं, एडिटर लगाने वाले हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने वाले। लेकिन क्या होता है कि हर एक सेंटेंस अगर आईएनजी वाला है तो उसमें हम कुछ और जोड़ देते हैं, नॉर्मल से कुछ और जोड़ देते हैं, है ना। ये हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, इसलिए ये चेंजेस अंदर करने ही हैं। ये चीज आप लोगों को देखनी पड़ेगी और करनी पड़ेगी। ये जो काम हम लोग कर रहे हैं, हम लोगों ने क्या ऑब्जेक्ट एडिटर और भी अपने बाय सब्जेक्ट, हम लोगों को सब चीजें लगानी है उसके लिए। और टेंस जो पढ़े थे, 12 टेंस में ना 3 टेंस होते हैं, 4 4 5 होते हैं, तो 12 टेंस में क्या होते हैं, 12 टेंस के अंदर से क्या होते हैं, सिर्फ 3 दो ऐसे टेंसेस होते हैं, दो ऐसे टेंसेस होते हैं जिसमें कोई जब हमारा सब्जेक्ट क्या होता है, सिंगुलर होता है, एक वचन का, एम हमेशा आई के साथ होता है जो पैसिव वॉइस में कभी यूज होता ही नहीं। सेकंडली आर जब हमारा सब्जेक्ट क्या होता है, प्लूरल होता है, बहुवचन वाला होता है, तब हम लोग इसका यूज करते हैं, आर का यूज करते हैं। सेकंडली वैसे ही वॉज वर्ब भी है, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ, एकवचन वाला, एकवचन का मतलब किसी का नाम लिया तो वो अकेले ही होगा, है ना। जैसे ही, शी, इट में, इट हुआ तो क्या हुआ, तो किसी क्या हुआ, सिंगुलर ही हुआ, तो हम क्या लगाएंगे उसमें, वॉज लगाएंगे, ठीक है। और वर्ब जब हमारा सब्जेक्ट क्या हो, प्लूरल हो, जैसे दे, यानी मैं, वी, यानी हम, यानी एक से ज्यादा लोग, तो वो क्या हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, वर्ब। ये पास्ट टेंस में लगता है और ये प्रेजेंट टेंस में लगता है। अब एक छोटा सा सेंटेंस हम समझाने के लिए, सिर्फ एक छोटा सा ही सेंटेंस कहने लगे, she sings a song, first and second is we got a pencil, she sings a song, और we got a pencil, ठीक है। देखो शी हमारे बाप हो गए, तो ये क्या हुआ, हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हम लोगों को पता है, ये वर्ब है, वर्ब के बाद जो कुछ लिखा होता है वो क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्ट होता है। इस चीज को याद रखना है क्योंकि वैसे भी बनाते समय हमेशा ऑब्जेक्ट की जरूरत आपको पड़ने वाली है। तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, ए सॉन्ग, ओके, ए सॉन्ग। उसके बाद देखो यहाँ पे आपको क्या लगाया, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट हम लोगों ने यहाँ लगा दिया। अब हमें क्या लगाना पड़ेगा, कैप्टन वर्ब लगाना पड़ेगा,
इस हेल्पिंग वर्ब के लिए हम लोगों को देखना है, जब किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है तो उसके वर्ब को देखना है। वर्ब में अगर एसईएल जुड़ा हुआ है तो हम लोग उसमें क्या लगाएंगे, इज एम आर, क्या लगाएंगे, इज एम आर। बराबर बोली हुआ तरीके से सुनना, उसको समझना। ऑब्जेक्ट हम लोगों ने लगा दिया है, हेल्पिंग वर्ब ये है, ऑलरेडी हमें यहां हेल्पिंग वर्ब बनानी पड़ेगी। अभी सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो इसके वर्ब को देखना है। वर्ब के अंदर एसईएल जुड़ा हुआ है तो इज एम आर लगाना है। अ सॉन्ग इज, फिर वर्ब की परफॉर्म, ये वर्ब क्या है, सिंग, सिंग की परफॉर्म क्या होती है, सम। परफॉर्म के बाद क्या लगाना है, बाय। और ये शी जब उधर चला जाएगा तो मैंने आपको भी एक फॉर्मेट दिखाया था, चार्ट दिखाया था, इसमें क्या चेंज होता है, शी इसमें चेंज हुआ, फॉर्म में चेंज हुआ, ठीक है। पेनाइजी इसी फॉर्मूले के अंदर ही हम लोगों को चलना है। नीचे वाला सेंटेंस देखिए तो इसके वर्ब में कोई भी एसईएस नहीं लगा है ना, ये चीज आप लोगों को याद भी रखनी है, ध्यान भी रखनी है, ठीक है। ये वर्ब है तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ, अ पेंसिल, उसको यहां पे आप लोग पेंसिल यही चीज आप लोगों को हमेशा करनी है। यही सेंटेंसेस जो है ऐसे होंगे जहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा, और वही आप लोगों को देखने पड़ेंगे बाकी जितने भी सेंटेंसेस आएंगे उनके अंदर हेल्पिंग वर्ब जो है वो ऑलरेडी ही दिया गया होगा। और आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ वहाँ पर जो है उसके अंदर आप लोगों को देखना है कि ऑब्जेक्ट अगर आगे आ गया है तो सिंगुलर हो गया या प्लुरल हो गया है, और आपको ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब आपको ऑलरेडी दिया गया होगा, बस आप लोगों को इतना देखना है वहाँ पर कि कौन सी चीज कहाँ पर लगाई गई, ओके। ऐसा कोई सेंटेंस आप लोगों के सामने आया, मिस्टर शर्मा टॉट अस इंग्लिश, इसको भी देखो कोई हेल्पिंग वर्ब आप लोगों को नहीं दे रहा, ठीक है। तो मिस्टर शर्मा टॉट, जिससे ही हम से मिस्टर शर्मा टॉट अस इंग्लिश, मिस्टर शर्मा ने हमें क्या पढ़ाया, इंग्लिश पढ़ाया। अब इसी को आप लोगों क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट बनाना है। अब आप अभी इस वाले में देखना, इसमें ऑब्जेक्ट क्या कहेंगे, पढ़ाना होता है ना। अभी मैंने आपको बोला ऑब्जेक्ट के बाद जो कुछ लिखा होता है वो क्या होता है, हमारा वर्ब होता है। लेकिन अब यहाँ पर देखिए वर्ब है, इसके बाद में क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब के बाद जो भी लिखा उसको ऑब्जेक्ट होता है। और ये अस जो वी को हम किसमें चेंज करते हैं, अस में चेंज करते हैं।
हमेशा ध्यान रखें कि अस और जो अगर कोई ऐसा इंडिविजुअली थर्ड पर्सन आप लोगों के सामने लिखे गए हैं, जैसे यह अस लिखा हुआ है ना, अस लिखा हुआ है, हर लिखा हुआ है, हिम लिखा हुआ है, तो जब हम लोग वी को अस में चेंज कर रहे हैं तो अस जब वापस इधर आएगा तो किसमें चेंज हो जाएगा, वी में चेंज हो जाएगा। इस चीज को आप लोग क्या करना है, ध्यान रखना। कभी भी ऐसा कोई सेंटेंस है हम पढ़ रहे जहाँ थर्ड पर्सन पहले से ही है, जिसको हम चेंज करेंगे वो ऑलरेडी, तो अस का अस वापस इधर नहीं आने वाला है। हम जब वी को किसमें चेंज करते हैं, अस में, तो अस जब पहले से आने लगा तो अस को जब हम लोग इधर लेके आने वाले हैं तो क्या यार हमने वापस में चेंज हो गई, ध्यान रखना है। ठीक है, वी लिखा हमने, इसमें हेल्पिंग वर्ब है तो क्या देते हैं, मेंबर, मेंबर में ऐसे नहीं जुड़ा हुआ है तो क्या देते हैं, वी पर लिखेंगे। क्यों? क्योंकि क्या हो गया, ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया है ना, ये प्लूरल हो गया, बहुवचन वाला हो गया, इसके अंदर क्या लिखा, वी वर। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होती है वही होती है वी वर का। अब जब हम इसकी हिंदी करते हैं कि हमें पढ़ाई थी, क्या पढ़ाया, इंग्लिश पढ़ाया, इसके यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, इंग्लिश। वर्ब की बात क्या लिखते हैं, थर्ड फॉर्म बाय लिखते हैं, बाय हमने लिखा, मिस्टर शर्मा का नाम है ऑलरेडी मिस्टर शर्मा, तो वैसा का वैसा ही यहाँ पे आने वाला लेकिन अगर उसमें कुछ चेंजेस होते हैं, इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ आप लोग जब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे ना, तो आप लोग ग्रुप को बार बार ज्वाइन करते रहे, आप लोग देखते रहे कि वहाँ पर कौन कौन सी टीचर्स क्या क्या बैठा है ना। इंग्लिश के लिए मैं आप लोगों को चैप्टर्स जो है उसकी जो भी है फाइल है जो भी हम टेस्ट करेंगे कि कौन सा पेज हम कल पढ़ने वाले हैं, तो उसको आप बोल में लिखिए, उसके बाद में जब पढ़े तो आप उसको ध्यान से, जैसे बुक्स में हम लोग देखते हैं टीचर भी क्या करा है, बुक्स में देखते हैं वैसे ही आप तो ये चीज जो है बेसिक्स जो है उसको आप ऐसे आप एक चीज से कर चुके हैं, लेकिन फिर भी ये आपके वापस लेवल क्लास में है तो इसलिए हम लोगों ने क्या बोल दिया है मिस्टर शर्मा का ऑर्डर समझे, तो आप ऐसे सेंटेंसेस को भी आप लोगों को ध्यान रखना है। जब आपका जो ये थर्ड पर्सन है यानी जिसको बी को हमने अस में चेंज कर अस ऑलरेडी वहां पर दिया गया है, तो उसको जब हम वापस सब्जेक्ट में लाएंगे तो क्यों में चेंज होगा। ठीक है, आप लोगों को देखना है, ये ध्यान जरूर रखना है आप लोगों को कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर आप बी के साथ में वर्ब्स लगा देते हैं, बाकी तो सारी चीजें सही करते हैं, तब भी वो सेंटेंस क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, है ना। तो ये आपके अकॉर्डिंग है कि आप लोग उसके अंदर क्या कर दे, किस तरीके से आप लोगों को याद रखना है, छोटी छोटी चीजें आप लोगों को याद रखनी है, क्योंकि ज्यादा टफ चीजें नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों को याद करना है इंग्लिश बाय मिस्टर शर्मा, इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। आप बता दीजिए आज के लिए, फिर कल हम इससे आगे पढ़ने वाले हैं। ओके क्लास, थैंक यू, कल हम लोग फिर से उसी टाइम आप लोग जो है